नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपने पहले ही रोड शो के अंदर धरती पुत्र कार्ड खेल दिया। ये कदम उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है और खासकर जब उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद एक सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने रोड शो के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो हरियाणा के स्थानीय लोगों के साथ गहरे संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा है कि वो भूल गए हैं कि मैं हरियाणवी हूँ, ये दर्शाते हुए कि वो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं और हरियाणा की मिट्टी से उनका एक गहरा नाता है और नाता रहेगा। इस बयान का उद्देश्य हरियाणा की जनता को ये विश्वास दिलाना था कि वो उनके हितों को समझते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है अपने पहले रोड शो में और किस तरह से हरियाणा वासियों को वो संबोधित करते हुए नजर आए हैं। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? दरअसल हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है और सभी दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को आकर्षित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने धरती पुत्र कार्ड खेलकर स्थानीय पहचान और संस्कृति को एक महत्वपूर्णता भी दी है, जो हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस रणनीति का उद्देश्य आपको मजबूत स्थान दिलाना है और यहां पर स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। केजरीवाल का ये कदम एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है और इसमें वो हरियाणा की राजनीति में अपनी पहचान बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने रोड शो में स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया और ये बताया है कि कैसे उनकी पार्टी उन समस्याओं का समाधान कर सकती है जो आम जनता की समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। इसमें ये साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार और पारदर्शी विकल्प है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो लगातार विकास के पथ पर बढ़ती रहे। इस तरह की बातें भी अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। केजरीवाल के इस कदम पर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि धरती पुत्र कार्ड खेलकर वे हरियाणा की राजनीति में एक नई दिशा देने में सफल भी हो सकते हैं, जबकि अन्य इसे केवल एक चुनावी चाल मानते हुए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मानना है। इस चुनावी माहौल में आपको ये साबित करना होगा कि वो केवल वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा करने का भी दावा करती है और जमीनी स्तर पर पूरा भी करती है। अगर वो इस दिशा में सफल होते हैं तो ये हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, आम आदमी पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है। अरविंद केजरीवाल का धरती पुत्र कार्ड न केवल उनकी राजनीति पहचान को मजबूत करता है बल्कि ये हरियाणा की जनता के साथ उनके संबंधों को भी दर्शाता है। आगामी चुनाव में ये रणनीति कितनी सफल होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपनी उपस्थिति को महसूस कराने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है और हरियाणा वासियों के दिल में उनके वोट लेने के लिए धरती पुत्र कार्ड कितना कारगर साबित होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।